पठानकोट के मेयर का ताज आज जहां पन्नालाल पाटिया के सिर पर सजाया गया, वहीं सीनियर डिप्टी मेयर विक्रम महाजन एवं डिप्टी मेयर अजय कुमार को बनाया गया। बता दें कि पिछले काफी लंबे समय से मेयर की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा जैसी राजनीतिक अफवाहों एवं कयासों का बाजार गर्म था, वहीं आज कांग्रेस के सीनियर एवं जुझारू एमसी को मेयर का ताज पहना दिया गया। प्रेस से भेंट वार्ता करते हुए पठानकोट के दूसरे मेयर पन्नालाल पाटिया ने कहा कि वे जहां हाईकमान का आभार व्यक्त करते हैं, वहीं पठानकोट वासियों को विश्वास दिलाते हैं कि वे अपनी इस नई जिम्मेवारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। खुश हाँ, क्योंकि 30 साल बाद मैनू खुशी का मौका मिलया और मैं धन्यवाद करता अपने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, जोड़े साढ़े सीएम ने, उन्होंने बाद मैं धन्यवाद करता पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साढ़े अपना प्रेजिडेंट सुनील जाखड़ जी, आशु जी अपने भारत भूषण आशु जी फूड सप्लाई मिनिस्टर, और अपने ताडे कह सकने अपने संधु साहब साढ़े जोड़े मिनिस्टर ने, ओएसडी ने अपने कैप्टन साहब के, जिला प्रधान जी, और इन तो अलावा मैं अपने MLA अमित विज जी का, आशीष विज जी का, और अपने पठानकोट के लोगों का, अपने कौंसलर साथियों का, जिन्होंने अज मैं ये मान सम्मान बख्शा, और मैं उन्होंने यकीन दिलाना सारे जिस सोच न मैं उन्होंने इस कुर्सी पर बिठाया, मैं उसे पूरा खरा उतरन की कोशिश कराँगा। MLA अमित विज जी के नाल रल के अपना शहर के विकास में उचाइया तो लैके जावे, शहर के मसले पुराने जोड़े है जोड़े कभी भी सॉल्व नहीं हो सके, काफ़ी सारे सॉल्व MLA साहब ने कर दिए, जोड़े कोई रेंदे होंगे असं रल के पूरे करेंगे, और मैं तुम सारे ये यकीन दिलाना और भी सारे का धन्यवाद करना अपने प्रेस वाले का जोड़े मैं इन्ना प्यार करते हैं, और मैं थोड़ा सारे एक बार फिर दिलों शुक्रिया अदा करना। देखो मैं रंधावा जी, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहता, पर मैं वह भी मैं हर वो काम कराँगा जिसे वास्ते मेरे शहर वासियों को जरूरत हैगी है, जड़िया समस्यावान साढ़े शहर दी प्रायोरिटी तो है, उन्होंने पूरी तरह ईमानदारी हल करने की पूरी जिंद जान ला देंगे, और एक बार पूरी कोशिश करेंगे कि आप इन सारिया चीज़ों के खरे उतरीए, क्योंकि जिस सोच के नाल साडी कांग्रेस पार्टी ने सानू चुने, मेरे MLA साहब ने मेरे पर विश्वास रखा, और मैं पूरी कोशिश होगी भी किसी का विश्वास ना टुटन दिया। निगम जीत ली है कांग्रेस ने अगर 2022 के इलेक्शन की पूरी तरह जितेंगे जी, असं वे भी पूरा विश्वास रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा काम में वोटा पैनिया असी MLA साहब ने, तुम सारे जानते हो साढ़े पठानकोट के MLA साहब, और मैं 6 बारी जित के भी अपने आप को अधूरा महसूस करना जो उन्होंने काम करने का तरीका देखना, तो मैं बड़ी खुशी होंगी, और मैं लगता भी मैं उन्होंने अगे जीरो हाँ, पर मैं उन्होंने पूरे मार्गदर्शन चलांगा और पूरी ईमानदारी नाल जिद्दां उन्हां दा आदेश होएगा पूरी तरह काम करांगे, शहर नूं अगे लैके चलांगे। धन्नवाद। हाईकमान ने थोड़ी ड्यूटी लाई, प्रधान जी ने थोड़ी ड्यूटी लाई, बखूबी तुसीं निभाई भी सीनियर, क्योंकि सीएम साहब ने भी ये सिद्धू बारे ये किया सीगा कि कैबिनेट के कई मंत्री सीनियर ने, सिद्धू नूं असीं किवें होम मिनिस्टर जिहड़ा हैगा वो लगा दिए या डिप्टी सीएम लगा दिए, उही चीज़ तुसीं इत्थे इंप्लीमेंट की हैगी है, 6 बार जीत चुके पन्नालाल पाटिया मेयर बने ने, की थ्योरी जिहड़ी हैगी है वो अपनाई तुसीं इस बार? हाईकमांड ने जो इत्थे दी पॉपुलर डिमांड सीगी वो सुनी, सीएम इत्थे दे प्रधान जी दे, इत्थे दे MLA साहब दे, सारिआं दे ओपीनियन लैण तों बाद जिहड़ा सब तो सीनियर सी और डिजर्विंग सी उन्हें जिम्मेवारी दी है, तो मैं उम्मीद करता जो हाईकमांड ने जिम्मेवारी साढ़े मेयर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर नूं दी है वह बखूबी निभाणगे, क्योंकि बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। MLA साहब तो बाद एक मेयर ही है जिहदे कोल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आ, तो शहर की सारे की डिवेलपमेंट की जिम्मेवारी है, जिन्नियां गवर्नमेंट दीआं स्कीम्स है उन्हें किस तरीके इंप्लीमेंट करना है जां करवाउणा है, ये सारी जिम्मेवारी उन्हां ते आ जाती है, तो मैं समझदा भी ये अपने तजर्बे नाल इहनूं बखूबी निभाणगे, ते एक कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी और सुनील जाखड़ जी दी जिहड़ी चॉइस है वो सही साबित करके दिखाऊंगा। जनाब नवजोत सिंह सिद्धू होना ते तुहाडा की कहना हैगा जी? कैप्टन साहब तो कह चुके कि जिधर जाना हैगा जा सकते हैगे ने, जे इलेक्शन लड़ना मेरे खिलाफ भी पटियाले आके लड़ लैन, जनरल जे सिंह वर्गा हाल होएगा? ये हले वो साडी पार्टी दे नुमाइंदे है बकायदा तौर ते MLA ने कांग्रेस पार्टी ते नवजोत सिद्धू जी, पर हाँ जदों भी कुछ बोलना होवे पार्टी प्लेटफार्म होंगे ने अलग अलग उन्होंने बोलना चाहिए, इदा ओपन जाकर
ओपन च जाके कुछ ना कुछ कमेंट देने ते पार्टी नूं डैमेज करना ये चंगी गल नहीं। जिहड़े बोरे हैगे बारदाना जिहड़ा हैगा ओह सीएम साहब ने भी अपने बयान च कहा हैगा कि हजे कंप्लीट सानूं नहीं मिला हैगा, इस अप्रैल एंड च मिलेगा। सीएम साहब ने यह कहा है भी उहदे लेट आने का कारण की सी, पर जिहड़ा बारदाना है वह सफिशेंट क्वांटिटी च है। असीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 100 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 130 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਅਗਰ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ 18 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਫਸਲ ਇੰਨੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਕੁਛ ਫਸਲ ਦੀ ਅਰਾਈਵਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੋਈ। ਜਨਾਬ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਨਵੀਂ SAT ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ। SIT ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਅਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਮਿਊਨਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਟਿਕਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਪੁੱਟ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਟੀਮ ਚੁਣੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पठानकोट से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।